और शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। आज के शुमारे में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल है। ताबिश एजाज खान, जो कि पेशे से डॉक्टर है, वही अपने शौक को बरकरार रखते हुए वादी कश्मीर में तस्वीर कशी से अपनी एक पहचान बना चुकी है। सबसे पहले ताबिश जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। आप एक डॉक्टर हैं और एक आर्टिस्ट भी हैं, तो ये दोनों अलग अलग शोबे हैं, इनका मिलन कैसे हुआ या ये महज एक इत्तेफाक था? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताबिश एजाज खान है, मैं एक इंटर्न डॉक्टर हूँ करंटली और मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये मेरे बचपन से ही आबूले मेरे साथ है, क्योंकि डॉक्टर बनना मेरे लिए एक एम था। ऐसे भी नो बच्चे जब होते छोटे होते हैं हमारे यहाँ पास हमारे को एम होती है कि नहीं हमें कुछ ना कुछ तो बनना ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल हैव हॉबीज। मेरी एक हॉबी थी वो था पेंटिंग करना, बट जब मैंने बनाना स्टार्ट किया, मैंने पेंटिंग्स करना स्टार्ट किया बचपन में, इवन दो आई वॉज नॉट परफेक्ट बट आई लाइक टू पेंट, तो मैंने बहुत ज़्यादा पेंट करना स्टार्ट किया। उसके अलावा मेरा एक सपना था कि मैं आगे जाके डॉक्टर बनूं, तो ये चीज़ें दोनों आप मान लें कि मेरे साथ बचपन से ही थी। तो एक ये सपना था, एक ये हॉबी था। जो सपना मुझे था वो मुझे प्रोफेशन में चेंज करना था, जो हॉबी था वो पैशन में चेंज करना था, तो दोनों साथ चले। ताबिश जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप कह रहे हैं कि आपका एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, तो शुरुआती दौर में आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि जो आपका ये पैशन है दिस आर्ट, जो आपने कहीं से सीखा नहीं है, तो आप इसको एक करियर एज इन करियर अपॉर्चुनिटी ले लें, तो आपने डॉक्टर को ही क्यों चूज किया, ये इसको क्यों नहीं, जिसमें आपने महारत हासिल की थी उसमें क्यों नहीं आप गए? ऐसे था कि पहले आपको मैंने ऑब्वियसली से बोला कि मेरा एक डॉक्टर बनना मेरा एक सपना था, तो मैंने कभी सोचा नहीं एज आर्ट को कि मैं अपने करियर में चेंज करूं, बट काइंड ऑफ व्हेनेवर आई ट्राई टू थिंक कि मैं ये आर्ट करियर में चेंज करूं। अभी ऐसा है कि कश्मीर में थोड़ा अभी लैग कर रहा है करियर वाइज आर्ट प्रोफेशन, बिकॉज देयर आर लाइक सेवरल लाइक ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं जहां पे आर्ट प्रोफेशंस बढ़ रहा है, बट उतना अभी उतना नहीं है जितना हम बाकी कंट्रीज में देखें, अदर देन बाकी स्टेट्स में देखें, उतना अभी विजिबल नहीं है, लेकिन विद टाइम अभी बढ़ रहा है। तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, माई ड्रीम इज टू बिकम डॉक्टर, तो मैंने वही चूज किया। बट ये मेरा एक है कि ये चलता है मुझे साथ साथ ही, एज माई प्रोफेशन इज टफ, तो लेकिन मेरा ये जो आर्ट है ये बहुत यूज आया मेरे इसमें प्रोफेशन में कहीं ना कहीं, क्योंकि ये दोनों चीजें मैं बहुत साइमल्टेनियसली चला रही हूँ, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ताबिश जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि जो वादी कश्मीर अपनी फनकारी के लिए काफी मशहूर है, लेकिन वहीं ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो आर्ट की उतनी कदरों कीमत नहीं है, उसके बावजूद भी आपने आर्ट में अपनी एक पहचान बनाई है, तो आपको नहीं लगा कि जो इस आर्ट में जहाँ पे बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जो इसको एक्चुअल जानते हैं, उसको आप थोड़ा हाइट दे के इसमें कुछ करना चाहेंगी कुछ आगे? हाँ, हमेशा इंसान यही चाहता है जब किसी चीज़ में उसको पहचान मिले, वो चाहता है कि वो उसमें आगे बढ़े, वो उसमें ज़्यादा परफेक्ट हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई एम नॉट परफेक्ट इन एनी वे, बट आई एम ट्राइंग टू बी गुड एट इट विद टाइम, क्योंकि यहाँ पे जो कश्मीर में बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिस्ट भी है जो हम देखते हैं, इवन आधे ऐसे भी है जिनकी अभी मतलब जो हाइप नहीं मिली है, बट देयर आर आर्टिस्ट मतलब जो आर्ट इवन पढ़ते भी है, दोज आर लाइक बेस्ट आर्टिस्ट भी है, वो भी है, लेकिन यहाँ पे अभी है कि यहाँ लैग कर रही है कुछ चीज़ें जिसकी वजह से आगे इंसान नहीं बढ़ पा रहा है। प्लेटफॉर्म्स लैग कर रही है, वो उनका जो वो करियर वाइज लैग कर रहा है, तो यहाँ पे उतना नहीं इंसान अभी आगे बढ़ पा रहा है, बट हाँ अभी टाइम होपफुली इट ग्रोज वेल। मेरा ये है कि मैंने इसको एज ए प्रोफेशन तो नहीं लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई एज विदाउट प्रोफेशन इन इट, बट आई एम ट्राइंग टू बी परफेक्ट विद टाइम, एंड आई नो आई एम नॉट परफेक्ट बट विद टाइम आई एम ट्राइंग टू बी परफेक्ट। ताबिश जी, चूंकि आप जिस प्रोफेशन से बिलोंग करती है उसमें काफी मेहनत दरकार होती है, कभी ऐसा हुआ है कि आपके हाई लेवल के एग्जाम्स रहे डॉक्टर के और ऐसा कुछ, आपका जो आप आर्ट का काम करती है तो उनको आप एक साथ वो मैनेजेबल होता है और ये हैक्टिक हो जाता है आपका ये दोनों का एक साथ ये सफर चलाना? मेरा सफर जो था ये मेरी प्रेपरेशन से पहले का स्टार्ट था, तो कहीं ना कहीं ये मुझे उधर से ही स्टार्ट हुआ था, मैं कैसे इन दोनों को
वो करूँ, इक्वलाइज करूँ। तो फिर जब मैं मेडिकल स्कूल में गई, आई वॉज अ स्टूडेंट देयर, तो 5 साल मैंने इसको एज अ पीस बूस्टर मिला बनाया, बिकॉज पहली प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई है, पहली प्रायोरिटी मेरे एग्जाम्स है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों को कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से उसको खुशी मिले, जिसकी वजह से उसको लगे नहीं आई एम डूइंग समथिंग गुड, अपार्ट फ्रॉम लाइफ एंड थोड़ा स्ट्रेस खत्म हो, कुछ चीज़ें थोड़ा टाइम के साथ वो आगे आगे इंसान को खुशी मिले कि नहीं आई डिड समथिंग गुड। और सोसाइटी का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, इवन स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है इंसान को, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए इंसान के पास जिससे वो रिलीव करे अपने स्ट्रेस। तो मेरे लिए मेरा आर्ट वही बन गया इन केस ऑफ माई मेडिकल स्टडीज़। तो देयर वॉज नेवर लाइक ऐसे कि इन दोनों के बीच में मुझे ये हुआ कि प्रॉब्लमेटिक हो गया कि मैं दोनों नहीं चला पाई, बिकॉज माई प्रायोरिटी इज समथिंग एल्स एज माई स्टडीज, बट दिस इज माई पीस। So then, so do you feel that कि जो आप ये आर्ट का काम करती है it helps you in relieving your stress वगैरह, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? Yes, it's my stress like booster, like मेरे लिए आर्ट अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं I would not control my anxiety, I would not control my stress, because it is an escape from the stress things in my life. Okay. Whatever the stress is, I paint and I try to avoid that time with my paintings. So you feel and you think that this is the thing जिसकी वजह से मैं जो negativity वगैरह है या कुछ up and down होती life में वो आप उसकी वजह से क्या कर रहे हैं? मेरी paintings ऐसे भी कुछ है जहाँ पे मैं कभी stress में थी, I paint that time and they reflect. नहीं, there was some situation that time. Okay. There are some paintings, there are paintings जिनको meaning है कोई ना कोई. There mostly of my paintings have some meanings. Okay. जिसकी वजह से मैं बनाती हूँ और क्यों बनाती हूँ, that has meaning. ताबी जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने meaning की बात करी, तो mostly हमने देखा है कि आप चिनार के पत्तों पे अपना craft, अपना art बनाती है, तो उसकी क्या वजूहत रहती है? Is it any particular reason के लिए या it's something आपको अच्छा लगता है? पहले ये था कि चिनार लीफ मुझे लाइक फैसिनेट कर गया, जब मैं देखती थी आई वुड थिंक क्यों इस पर भी तो अच्छा बना सकती हूँ मैं। आई यूजुअली सी थिंग्स विच आर लाइक ब्रोकन थिंग्स विच आर नॉट स्क्रैचेस, लाइक जो लोग मोस्टली वो करते हैं, अवॉइड करते हैं देखना भी, फेंकते हैं ऐसी, बट आई ट्राई टू मेक सम गुड आउट ऑफ दोज थिंग्स, दैट्स लाइक आई लव टू मेक समथिंग आउट ऑफ द वेस्ट। तो चिनार लीफ मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है इन इस वर्सेटाइल कैनवास में, because I think it's somewhere like reflecting the Kashmir, relating Kashmir, तो यहाँ पे reflect करता है Kashmir को, and I usually make Kashmir related paintings on chinar leaves, and कहीं ना कहीं I love to paint on chinar leaves, तो वो एक पहचान ही बन जाती है। I got several awards for the chinar leaf paintings, तो ये एक मेरी अलग ही पहचान बन गई कि I paint on chinar leaves. Apart from that, I make on wood, I make on stones, या कोई मैंने एक्शन में भी बनाया है, मैं ये रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ। सो आप इनोवेटिव आइडिया से न्यू न्यू चीजें कर रही हैं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज़ आई थिंक व्हेन वी लाइक सी मतलब पीपल और व्हेन वी सी थिंग्स इन जनरल आई कैन से, जब हम उस चीज को पॉजिटिवली में देखेंगे वो पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल, जब हम किसी चीज को नेगेटिविटी में रिफ्लेक्ट देखेंगे वो तो नेगेटिविटी ही रिफ्लेक्ट करेगी। फॉर मी स्टोन इज positive thing, like I paint on it. For me, chinar leaf is positive thing, I paint on it. लोगों के लिए normally उठो पत्थर है, पत्थर कुछ और माने देता है, चिनार लीफ कुछ और माने देता है, it's a waste. For me, it's different thing. And जब मैं वो particular चीज़ें इससे बनाती हूँ तो then after that there will different मतलब meaning to it. Okay. ताबी जी आप मुझे बताइए कि जो आपने शुरुआत में जो जैसे कि आपने पहली जो आपकी पेंटिंग थी जो आपने सोशल मीडिया पे अपलोड करी थी, तो कैसा रिस्पांस रहा आपका? ऐसे है कि मतलब रिस्पांस तो वेरी करता रहता है, हाई एंड लो, अप एंड डाउन्स हर कहीं होता ही है, रिस्पांस वेरी करते रहते हैं। एज आई टोल्ड आई एम नॉट परफेक्ट इन एनी वे, जब मैं पहले स्टार्ट की पेंटिंग्स अपलोड करना, आई वाज नॉट दैट परफेक्ट दैट टाइम, जितना मुझे आज उस विद टाइम हो जाता है, आई वाज नॉट दैट परफेक्ट दैट टाइम, तो लेकिन हाँ लोगों ने बहुत कहीं ना कहीं मोटिवेशन दी, लाइक यार इट्स गुड, बिकॉज आई ट्राई टू मेक समथिंग डिफरेंट, तो कहीं ना कहीं लोगों का क्रिटिसिज्म भी था, बट
दोनों चीजें अगर हम पॉजिटिव वे में देखेंगे तो उन्हीं चीजों की वजह से मैं आगे आगे मतलब अभी भी अपलोड करती हूँ. क्यों करती हूँ? लोगों से डरती नहीं हूँ, मतलब कि कोई क्रिटिसाइज करेगा. हाँ, क्यों नहीं करेंगे क्रिटिसाइज? देयर इज एवरीवन टू क्रिटिसाइज यू बिकॉज यू नीड टू बी परफेक्ट बाय द क्रिटिसिज्म. अपार्ट फ्रॉम माई रिलेटिव एंड ऑल मतलब फैमिली मेरे को कोई क्रिटिसिज्म नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. सपोर्ट ही है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मैं बोलूंगी मुझे 90% सपोर्ट ही मिल रहा है, चाहे लोगों से चाहे भाग्यों से. क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं होता ही है, क्या बना रही है क्या नहीं. कहीं ना कहीं जब मैं कहीं देखती हूँ क्या बना रही है या क्यों नहीं बनाते उतना भी अच्छा नहीं करते वो, बट आई टेक इट हाँ ठीक है नहीं बनाती हूँ उतना, लेकिन मुझे आगे तो बनाऊंगी ना, आगे तो नई नई चीजें बनाऊंगी और टाइम ग्रोथ तो हो जाएगा. ये चीजें हो जाते हैं, क्रिटिसिज्म एंड मोटिवेशन बोथ गो टुगेदर, ताकि आगे इंसान बढ़ता है. आपको लगता है क्योंकि आप एक डॉक्टर शोबे से है और आपको आप आर्टिस्ट भी है, तो आपको लगता है कि लोग आपको दोनों चीज में सपोर्ट करते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लोग डीमोटिवेट करते हैं ये बोल के कि बीइंग अ डॉक्टर ये सब छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये फायदा नहीं देता, ऐसा कुछ कोई वर्ड ऐसा कुछ किसी ने बोला हो? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं मिला है, मतलब आई डोंट नो व्हाई बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं मिला है. इवन एट माई वर्क प्लेस आई एम गेटिंग मोटिवेटेड बाई एवरी वन, लाइक एक पहचान बनी है कि नहीं ये अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर ये भी करती है अल्हम्दुलिल्लाह. वो इज्जत इससे तो कहीं ना कहीं इज्जत ही मिली है इससे, डिफरेंट प्रोफेशन इतना एक्टिव होने के बावजूद भी आप कुछ ऐसा कर रही हैं. इंसान जब आगे दोनों चीज़ों में इंसान इक्वली मतलब अभी इन माई डॉक्टर प्रोफेशन आई एम एट द प्लेस वेयर आई शुड बी, आई एम नॉट बिलो और आई एम नॉट ज़्यादा उतना नहीं क्योंकि आई एम एट द प्लेस वेयर आई शुड बी एंड आई एम टेकिंग माई टाइम प्रॉपर टाइम इन दैट थिंग. जितना मुझे अभी जहाँ पे जिस लेवल पे मुझे अभी होना चाहिए एज ए इंटर्न एंड जब होना चाहिए मैं अभी अपने लेवल पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई एम ट्राइंग टू बी बेस्ट इन माई डॉक्टर प्रोफेशन एज पॉसिबल एज आई कैन, एंड दोनों चीज़ें मैं इंशाल्लाह आगे अच्छे से बढ़ूँगी. तो आपको ये मोटिवेशन है ऑलरेडी कि आप ऐसा कर सकती हैं. आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आप इतने सारी फ्रेम्स इतनी सारी चीजें बनाती हैं तो सोशल मीडिया पे क्या कुछ आपको हाइप मिलता है, जैसे कि आपको ऑर्डर्स भी मिलते होंगे जाहिर सी बात है क्योंकि आपकी चुनार की जो लीव्स है वो बहुत ज्यादा सेल होती है, तो आपको लगता है कि आप इसमें कुछ अच्छी खासी कमाई कर सकती है, और आपने जो आपके जो फ्रेम्स है आप वो कैसे बेचती हैं? मोस्टली मेरा ये जो एज पेंटिंग है ये मेरा बिजनेस शेड्यूल नहीं है, लाइक मैंने बिजनेस एज नहीं रखा है, बट हाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेंटिंग्स में बनाती हूँ. इवन अगर मुझे ऑर्डर्स अगर लेने चाहिए 10, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक लूँगी. बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन टेकिंग 10 ऑर्डर्स एंड 1 ऑर्डर, बिकॉज आई इट्स अ साइड हॉबी. हाँ इट्स साइड हॉबी. अगर हाँ कहीं ना कहीं मुझे अब है कि पेंटिंग्स बनाई है किसी को अच्छी लगे एंड समवन वांट्स और समवन रियली वांट्स सम पेंटिंग फ्रॉम मी आई गिव आई पेंट फॉर दैट पर्सन. जैसे मेरी चिनाली पेंटिंग्स है, चिनाली मैंने भी इतनी बनाई होगी लाइक अराउंड बहुत ज़्यादा बनाई होगी, बट देयर इज नॉट अ सिंगल चिनाली पेंटिंग अभी मेरे पास, बिकॉज वो सेल होती है वो लेते ही है इंसान ये लोग. तो आई एम नॉट टेकिंग इट एज अ बिजनेस, तो मैं उतना ज़्यादा इसमें बिजनेस वाइज नहीं कर पाती हूँ, कमाती भी हूँ बट अल्हम्दुलिल्लाह जो किसी को कभी अच्छी लगी पेंटिंग वो सेल हो जाती है बस. आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो वक्त इसके साथ देती है आप फ्यूचर में अपने आप को एज एन आर्टिस्ट, पहले तो डॉक्टर शोबे में नहीं कहूँगी, पहले मैं एज एन आर्टिस्ट बोलूँगी, अपने आप को कहाँ पे देखती हैं? एज एन आर्टिस्ट आई वॉन्ट टू बी अमंग द परफेक्ट वंस. मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं कहीं अच्छी जगह हो या क्या हो, बट आई वॉन्ट टू बी अमंग द परफेक्ट वंस बिकॉज एज एन डॉक्टर आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट इंशाल्लाह आगे, तो ये मेरा चलता ही रहेगा. एंड इसमें आपका इनबॉर्न टैलेंट है तो इसमें आपकी कोई वो चोरी नहीं हो सकती. सुकून तो चाहिए इंसान को, तो सुकून के लिए तो ये तो मैं हमेशा बनाऊंगी ही बनाऊंगी, कभी ना कभी बनाऊंगी, कभी कम बनाऊंगी कभी ज्यादा बनाऊंगी, ये चलता रहेगा, ये वेरी करता रहेगा. हुआ है कि कोई जो एग्जिबिशंस वगैरह ऐसे होते हैं उनमें आपने पार्टिसिपेट किया और शोकेस किया हो अपना काम, और जो बाकी के आर्टिस्ट हो जो जिन्होंने इस आर्ट को अपना प्रोफेशन बनाया हो उनके साथ कम्पीट हुआ है आपका कभी? नहीं अभी तक तो नहीं, बट हाँ मेरी जो पेंटिंग्स है वो शोकेस हुई है बहुत सारी
इसमें एग्जीबिशंस में रिसेंटली वेसू फेस्टिवल कुलगाम में हुई थी जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए थे, उसके अलावा भी और बहुत ज़्यादा गुब्बारा एंड और नॉर्थ कश्मीर साउथ कश्मीर बहुत ज़्यादा या सेंट्रल कश्मीर हर जगह जहाँ पे एग्जीबिशंस होती है वहाँ वहाँ एग्जिबिट हुई है मेरी पेंटिंग्स। अभी ये था कि मैं बहुत टाइम तक एज बाहर थी तो मैं स्टूडेंट थी एज MBBS तो मैं उतना एग्जिबिट नहीं कर पाई, बट विद टाइम जहाँ जहाँ मुझे लगता है आई कैन एग्जिबिट आई गो देयर एंड आई एग्जिबिट माय वर्क। आप मुझे बताइए कि चूंकि आप आर्ट करती है, आर्ट में आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगी कि मतलब जो आप देती होगी अपने आर्ट से जो मैसेज आप लोगों को देती है वो क्या होगी? मोस्टली जो मेरी जो पेंटिंग्स होती है वो कवर करते कश्मीरी कल्चर कश्मीरी एसेंस को कवर करती है, तो आई मोस्टली रिफ्लेक्ट कश्मीर फ्रॉम माई पेंटिंग्स इन एनी हाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैं वेस्ट इंटो आर्ट बनाती हूँ वो ऐसा कि जो मैंने अभी आपको बोला शो द पॉजिटिविटी सस्टेनेबिलिटी टू द वर्ल्ड, ये चीज़ें मैं कवर करती हूँ अपनी पेंटिंग्स से। और कभी कभी कोई ऐसी पेंटिंग्स होती है फिर मतलब आई एम नॉट फीलिंग गुड आई वॉन्ट टू मेक समथिंग मतलब क्लोजनेस टू द अल्लाह वाली पेंटिंग्स, ये कैलीग्राफिक पेंटिंग जहाँ पे लगे कि नहीं इंसान कहीं चाहता है वो क्लोज हो जाए अल्लाह से, तो वो पेंटिंग्स में रिफ्लेक्ट करती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन माई मूड व्हाट आई फील आई पेंट दैट थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट कश्मीर कल्चर और वेस्टर्न आर्ट। आपको कितना वक्त लगता है एक पेंटिंग बनाने में, बी दैट लाइक ऑर्डर नहीं हो समथिंग आप विजुअल जैसे कि आपको दिमाग में कोई विजुअल्स आए होंगे आप बनाएंगे तो एक पेंटिंग बनाने में कितना वक्त सर्फ होता है? इट डिपेंड्स लाइक कभी मैं बनाती हूँ एक दिन मैं एक घंटा देती हूँ, कभी मैं एक दिन जिस दिन मुझे लगेगा फ्री टाइम है आई मेक पेंटिंग इन दैट डे, तो ये डिपेंड करता है। कभी मेरे लिए पेंटिंग्स को उतना टाइम नहीं वो हो गया है कि मैं पर्टिकुलर बोलूँ कितने टाइम में बनी है क्या अगला बनी है, क्योंकि कभी मैं आधा घंटा ही देती हूँ दिन में, कभी मैं कभी बना दी नहीं दिन में। इट डिपेंड्स ऑन द माई वर्क शेड्यूल इवन एंड माई पढ़ाई वाला शेड्यूल, तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई टाइम शेड्यूल नहीं है मेरी पेंटिंग्स का। कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आपका रहा हो डॉक्टर प्रोफेशन से या आर्टिस्ट का पैशन जो आपका है, कोई ऐसा मोमेंट जो मेमोरेबल रहा हो आर्ट के हवाले से? मतलब ऐसे तो हर कोई मोमेंट पहले मेमोरेबल ही होता है, इवन मैंने एग्जिबिट माई पेंटिंग्स वहाँ के लोगों का जो द वे दे सी माई पेंटिंग्स मतलब दे इंस्पायर यू दे मोटिवेट मी वो मेमोरेबल रहती है। एंड इवन द वर्क प्लेस द माई सीनियर्स द डॉक्टर्स जैसे वो मुझे मोटिवेट करते हैं या इंस्पायर होते हैं कि नहीं यू मेक गुड थिंग्स, तो दीज थिंग्स आर द मेमोरेबल थिंग्स यू कैन से। आपको लगता है कि आपकी पेंटिंग सर्व करती है कश्मीर को? कहीं ना कहीं, बट देर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो ज्यादा करते हैं, बट आपका अभी कहीं ना कहीं रोल रहता है। रोल तो है, कहीं ना कहीं तो रोल रहता ही है, बट हाँ एवरी आर्टिस्ट इन कश्मीर प्रोवाइड सम रोल टू द कश्मीर। एक मैसेज आप यूथ को देना चाहेंगी, अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगी जो आपको देख रहे हैं आर्ट के हवाले से, कोई एक मैसेज? मैसेज ये है हॉबी एंड प्रोफेशन कैन गो बोथ टुगेदर। कभी ये नहीं करना है कि हाँ भाई मुझे अभी डॉक्टर हूँ या मैं अभी इंजीनियर हूँ या मुझे अभी यूनिवर्सिटी जाना है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स मैं अपने हॉबी को या पैशन को नहीं आगे बढ़ा पाऊँगा या नहीं बढ़ा पाऊँगी। देयर शुड बी समथिंग इन यू जिसकी वजह से आप प्राउड फील करो। प्रोफेशन तो होता है दैट यू उस पर आपकी मेहनत जाएगी ही जाएगी, बट देयर शुड बी समथिंग जिस पर आपकी मेहनत नहीं आपका सुकून लगेगा उस पर आप बनाओ कि नहीं, ये रिफ्लेक्ट करेगा आपके सुकून को आपके पीस को कि एंड यू शुड बी प्राउड कि आई एम मेकिंग समथिंग डिफरेंट। और ऐसी चीज़ें करो जो आगे सोसाइटी के लिए पॉजिटिविटी शो करे एंड बी एंगेज इन दोज थिंग्स। एंड आप सपने देखना छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप सपने देखोगे छोटे पाए से लेके बड़े पाए तक यू विल अचीव समथिंग। या फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मिलते हैं आपसे एक और शुमारे में एक और नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।